कितना हसीन मंजर है वो, जब बादाम के फूलों की चमक होती है, हरियाली छा जाती है पूरे वादी में और आती है खुशबू बादाम के फूलों की। इसमें कोई शक नहीं है कि वादी कश्मीर एक सोने का खजाना है। यहाँ की मिट्टी में एक ऐसी कुदरत छिपी है जिस पर यहाँ के किसान किसी भी तरह की फसल उगा सकते हैं। इस मिट्टी में एक ऐसा जादू है जो फसल दर फसल यहाँ के किसानों को माला माल कर देता है। दोस्तों, आज हम अपने वादी कश्मीर के खास मशहूर ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स में शुमार हैं बादाम, अखरोट, सूखे अंजीर और खुरमानी, जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन ड्राई फ्रूट्स की पैदावारी वादी कश्मीर के वेदरी इलाके में होती है, खासकर बडगाम, पुलवामा और देगार जगहों पर इसकी काश्तकारी की जाती है। कश्मीर में इन ड्राई फ्रूट्स के बागान सैकड़ों एकड़ में फैले हुए हैं। ये बागबान वादी की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। इन फसलों को लगाने और इनकी परवरिश करना भी एक कलाकारी है। इन्हें सही वक्त पे अच्छी खाद पानी देना होता है, जिससे इन पे उगने वाले फल बेमिसाल हों। बीमारी और कीड़ों से महफूज रखने के लिए इन पर वक्त वक्त पर दवाई और खाद का इस्तेमाल किया जाता है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में इन्हें उतार कर धूप के लिए तैयार किया जाता है। अच्छी धूप देकर इनकी पैकिंग की जाती है और अलग अलग देशों में भेज दिया जाता है। ये ड्राई फ्रूट्स ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इसी का शौक दुनिया का हर एक शख्स रखता है। इनसे मिलने वाले सेहत के फायदे कई हैं और बाहरी मुल्कों ने भी अब इनकी अहमियत पहचान ली है। पिछले साल बादाम की पैदावारी के लिए 16,418 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल किया गया और इनसे 53,716 टन की पैदावारी हुई थी। बादाम की पैदावारी में पुलवामा अव्वल दर्जे के नाम पर जाना जाता है। वहीं अखरोट वादी के हर एक जगह पर मयसर होता है। हुकूमत ने भी यहाँ ड्राई फ्रूट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी खाद और मुफ्त दवाइयाँ फराहम की हैं, जिससे यहाँ के किसानों को बहुत फायदे मिल रहे हैं। इस वजह से यहाँ के किसान ज्यादा से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स की काश्तकारी करें, इनके रोजगार में इजाफा भी मिलेगा। इन सहूलियतों को मद्देनजर रखकर हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम हुकूमत का साथ दें और ये रहा भी हमारे लिए कामयाबी का जरिया बन जाए।